हेलो गाइस, वन प्लस नॉर्ड 3 को लेकर बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, तो उनको मैं बता दूं कि वन प्लस नॉर्ड 3 इस ईयर के एंड से पहले तक हमें इंडिया पे देखने को मिलने वाला है। हालांकि कोई एक स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक मंथ बाहर नहीं आई है कि इस मंथ में इस डेट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा, लेकिन मैंने काफ़ी बड़े बड़े वेबसाइट के आर्टिकल में देखा है कि इस ईयर के एंड तक हमें वन प्लस नॉर्ड 3 इंडिया पे देखने को मिलने वाला है और 90% फीचर इसकी कन्फर्म हो चुकी है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वन प्लस नॉर्ड 3 को लेकर एक्साइटेड हो तो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखते रहना। मेरे ख्याल से मैं सभी जो डॉट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस बार बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन 6.7 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड वाली एक बड़ी सी डिस्प्ले के साथ आएगा और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इवन डिस्प्ले के साथ HDR 10 प्लस 10 बिट कलर सेचुरेशन एंड 360 हर्ट्ज तक की टच सेम बी ग्रेड। तो नॉट सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइम 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली डिस्प्ले एक्सपीरियंस इस बार हमें हमेशा से बेटर देखने को मिलेगा। यहीं पे हम लोग कैमरास की बात करें तो रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप हमें देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विथ OIS जो कि सोनी IMX766 वाले सेंसर के साथ होगा एंड 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल, बाकी 2 मेगापिक्सल की डेप सेंसर। फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की पंच होल वाली हमें सेल्फी देखने को मिलेगी। तो कैमरास की इन्फॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही बाहर आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं इस बार वन प्लस इसे किस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। यहीं पे परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ, परफॉर्मेंस को लेकर ये स्मार्टफोन पे हमें सबसे बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस को लेकर ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 वाले पावरफुल 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिसके एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 8 लाख से ऊपर जाता है एंड माली G610MC6 ग्राफिक पे बेस्ड होगा एंड 5 नैनोमीटर वाला चिपसेट होगा। तो ये जो प्रोसेसर होगा ये आपके परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इन्हांस कर देगा, ऊपर से ये बैटरी को बहुत हद तक बचाने वाला है एंड लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट होगा, तो बैटरी डेफिनेटली बचने वाला है। अब बैटरी की बात हो ही रही है तो ये फ़ोन 4500 mAh की बैटरी के साथ आएगा और इसे चार्ज करने के लिए इस बार 150 वाट की सुपर वार्प चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि 10-15 मिनट के आसपास आपकी बैटरी को फुल चार्ज करने वाला है। तो इस बार 3 हाईलाइटिंग अपग्रेड्स हमें वन प्लस नॉट 3 के साथ देखने को मिलेगा। पहला होगा डिस्प्ले, दूसरा होगा परफॉर्मेंस एंड तीसरा होगा चार्जिंग स्पीड। इसके अलावा ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहने वाला है, 3.5mm जैक भी दिया जाएगा। हाँ, अलर्ट स्लाइडर इस बार भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ ऑलमोस्ट फीचर हमें वन प्लस नॉट 3 के साथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विद बॉक्स इनवाइट 13 एंड ऑक्सीजन OS 13 के साथ आएगा। अब प्राइस पॉइंट की बात करें कि ये फ़ोन किस प्राइस पॉइंट तक इंडिया पे आ सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग 35,000 के प्राइस पॉइंट तक जा सकता है या 35,000 के प्राइस पॉइंट से इसकी बेस वेरिएंट की प्राइसिंग स्टार्ट भी हो सकती है, क्योंकि इस बार नॉर्ड सीरीज के अंदर ये फ़ोन काफ़ी अपग्रेड के साथ होगा। सबसे पहले तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 8100 वाली प्रोसेसर, 150 वाट की चार्जिंग स्पीड, तो बहुत कुछ इस बार हमें नया देखने को मिलने वाला है, तो प्राइसिंग तो थोड़ी सी इंक्रीज होगी ही होगी। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन होता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। फिलहाल आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मिलते हैं हम लोग अगले एंड फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।